नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच की मालिका में आप सभी का स्वागत है। प्रति शनिवार और रविवार विभिन्न विषयों के साथ हम मिलते हैं। कभी जनजाति की जानकारी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो कभी किसी व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं। जनजाति समाज से जुड़े कुछ विषयों के संदर्भ में आपसे बातचीत होती है। ये आज भी हम ऐसा ही एक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। देश धर्म संस्कृति के लिए बलिदान देने के लिए वनवासी समाज सदैव अग्रसर रहा है। ये बात सही है कि जनसामान्य इस पराक्रम को, इस शौर्य गाथाओं को वैसे भी कम जानता है, और इसी में से एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर बसा मानगढ़ स्थान और इतिहास में हुई वहां की एक ऐसी घटना जिसमें अंग्रेजों ने अपने क्रूरता का दर्शन कराया। हम तो विद्यालय की पढ़ाई में केवल जालियनवाला बाग के हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, परंतु ऐसा ही कुछ एक हत्याकांड राजस्थान के मानगढ़ में भी हुआ था। आज हम इस मानगढ़ हत्याकांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे बील बांधवों ने अपना बलिदान दिया था। इस हेतु हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर के निवासी, इस मानगढ़ स्थान से वर्षों से जुड़े हैं। हत्याकांड के घटनाक्रम के बारे में उनका अच्छा अध्ययन है। आज हम सभी को इस गौरव खाता के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए। हल्दी घाटी में राणा को बिल्लो ने ही साथ दिया था, हिंदू रक्षक शिव बा को भी वन पुत्रों ने साथ दिया था। बिरसा के उन बलिदानों की कथा सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए। सोमनाथ का रक्षण करने बिल्ल बेगड़ा आगे आए, सिद्धो कानो दुर्गा रानी देश धर्म रक्षक कहलाए, जादो शंभो के जीवन की कथा सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए। विदेशियों के छड़यंत्रों से सत्य अभी तक दबा पड़ा था, सम्मानित गम करे आज फिर जो जन मन का प्रेरक बल था, स्वर्य पराक्रम की गाथाए आज सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना स्वाभिमान से गाए। सभी को जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय हिंद। आज हम राजस्थान के एक पावन स्थल जिसमें जनजातियों की बहुत श्रद्धा है, जनजातियों के इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है और स्वतंत्रता के दौरान जनजातियों के बलिदान का विषय है, वो उस स्थल को हम याद करते हैं। वो धाम है मानगढ़ धाम। यह मानगढ़ धाम राजस्थान और
गुजरात की सीमा पर स्थित है और यहाँ जनजातियों का जो स्वधर्म के प्रति अपनी आस्था है, अपनी परंपरा को जीवित रखने के प्रति जो जो निष्ठा है, उसको यह स्थान और यहाँ की प्रेरणा हमें प्रेरित करती है। सन 1818 के आसपास जब मेवाड़ और वागड़ के जो देसी रियासतें हैं उनके साथ अंग्रेजों ने समझौता कर लिया, अंग्रेजों ने मैत्री संधियां कर ली, तो उसके बाद यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के अधीन आ चुकी थी। इस व्यवस्था के साथ ही अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से, क्योंकि जनजातियाँ एक कस्टमरी लॉ के तहत परंपरागत तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को निर्धारित करती हुई आई हैं, जीवन जीते हुए आई हैं और स्वतंत्रता के साथ अपने सभी धर्म संस्कृति और आजीविका का कार्य करती हुई आई है, उनको अधीन करने के लिए इस समझौते के बाद उनके साथ संधियां की और जबरन जो जनजाति ग्राम समूह हैं उनके मुखिया, जिसको पाल मुखिया कहते हैं, गमेती, गड्डा, रावत, पटेल, उनके जबरदस्ती साइन करवाए और उनकी व्यवस्थाएं भी अपने अधीन कर ली। इसके साथ ही साथ सन 1940 में जनजातियों को भी नियंत्रित करने के लिए एमबीसी मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की और फिर क्रमशः पंचायतों को अपने अधीन किया, दूसरी व्यवस्था को अपने अधीन किया और इस क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरीज हैं उनको खुले में काम करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रेरणा के साथ साथ ही सन 1999 में जनजातियों के जो क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जरायम पेशा कानून भी उनके ऊपर लागू कर दिया गया, अर्थात यह हुआ कि अब जनजातियां जन्म से ही, जनजाति के बच्चे जन्म से ही वो एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति वाले उस समूह में शामिल कर लिए गए और यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे जाकर स्थानीय थानों में जाके अपनी रिपोर्ट के हाजिरी दें। इस क्रम में धीरे धीरे ये लगने लगा कि जनजातियों की पूरी व्यवस्था, यहाँ तक कि स्थानीय शासकों को भी अंग्रेजों ने अपने अधीन करके उनको भी जनजातियों के खिलाफ, स्थानीय भीलों के खिलाफ खड़ा कर दिया। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा पूरा जो एक तंत्र विकसित किया गया, उस तंत्र में एक भावना जागृत होने लगी कि यह व्यवस्था हमारे इतिहास परंपरा के अनुरूप नहीं है। इसी भावना को जागृत करने के लिए और ऐसे ही दौर में समाज का नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक महान हस्ती इस क्षेत्र में सभी के लिए प्रकट हुई, जागृत हुई, सबके सामने आई, वे थे गोविंद गिरी जी महाराज। गोविंद गिरी जी महाराज ने जनजाति समाज में सामाजिक पुनरुत्थान के साथ ही साथ जो सनातन संस्कार थे जिसको किसी कारणवश विस्मृत कर दिया गया था, मुख्य धारा से जनजातियों को अलग कर दिया गया था, या जो धर्मांतरण की प्रक्रिया थी उसमें अनास्था पैदा करने की जो स्थिति पैदा कर दी गई थी और उनकी गरीबी और विपन्नता का लाभ उठाकर उनको अनास्था की तरफ बढ़ाने के जो काम किया था, इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने रोका और जनजातियों में अपने सांस्कृतिक परंपरा को जागृत करने और सनातन मूल्यों को पुनर्जागरण के लिए प्रयास किया। ऐसे में जनजाति समाज, स्थानीय सभी लोग एक साथ जुड़ने लगे और जुड़ते जुड़ते एक आंदोलन खड़ा हुआ और यह आंदोलन इस हमारी जो राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता का अभियान था उस अभियान के दौरान एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ, आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को हम कहेंगे मानगढ़ भगत आंदोलन। और यह मानगढ़ भगत आंदोलन मुख्य रूप से जनजातियों की स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति जो अनास्था थी उसको जागृत करने, उसको कमजोर करने, उसको पुनः जागृत करने के लिए खड़ा हुआ। और इस आंदोलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के सभी लोग जुड़े, विशेष तौर पे क्योंकि जो गोविंद गिरी जी महाराज थे वे बंजारा समाज से आते थे, उनका पैतृक जो कार्य था वो अलग अलग गांव में जाकर सामान को बेचना, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना यह रहा है। तो इस दौरान वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में आए, ना केवल जो आम जन थे उनके संपर्क में बल्कि जो सामंती थे या जो सेठ धनिक लोग थे उनके संपर्क में भी वो आए और फिर
वहां पर विचार संप्रेषण के माध्यम से समस्याओं को जाना और इनकी अंग्रेजों की जो नेटवर्क था, उनका जो तंत्र था, उनका जो इकोसिस्टम था, उसको समझने की कोशिश की। तब उन्हें लगा कि जो समाज है वह कुरीतियों में फंसा हुआ है, समाज है वह अनास्था की तरफ जा रहा है और इसके लिए दूसरी जो मशीनरी है वो बहुत नियोजित ढंग से उनके लिए लगी हुई है और यह पूरे देश और तंत्र के लिए हानिकारक है। ऐसे में गोविंद गिरी जी एक प्रेरक नायक के रूप में, महानायक के रूप में, संत के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में सबके सामने आए और उन्होंने आम लोगों को जोड़ा और आम लोगों को जोड़ने की जो पद्धति उन्होंने विकसित की उस पद्धति को धाम धुनी परंपरा कहते हैं। धाम यानी कि एक आस्था का स्थान जहाँ सब लोग जुड़ते हैं, ग्राम समूह जुड़ते हैं, स्थानीय जनजाति समाज के भी हैं, दूसरे हैं, सभी जिनका विश्वास है। ये धाम जो है भगवान शिव की परंपरा है, भगवान महादेव की परंपरा रही है और वहाँ पर धूनी जागरण करके, यज्ञ का आयोजन करके, कोई एक निश्चित पावन दिवस लेकर उस दिन संवाद किया जाता था, सत्संग किया जाता था, उस परंपरा को लेकर नारियल के माध्यम से यज्ञ कराते हुए यह संकल्प लेने का एक क्रम चलाया जिसमें कुरीतियों का उन्मूलन करना है और साथ ही साथ समाज के नवनिर्माण के लिए, समाज में जागरण के लिए और जो भारतीय मूल्य हैं उनके जागरण के लिए एक तंत्र बनाया। क्रमशः भीलों में आस्था का जागरण होता चला गया और संपूर्ण जनजाति समाज में एक अच्छी परंपरा अब आगे बढ़ चली जो सनातन धर्म की परंपरा के अनुरूप और पुनरुत्थान के रूप में थी। इस क्रम में जब काम आगे बढ़ा, न केवल समाज, देश और धर्म के जो मूल्य थे वे जागृत हुए बल्कि आम जन में ये भावना आती चली गई कि अब हमें अच्छा करना है और जो बुरा हो रहा है उसको रोकना है। अब सबसे बड़ी बात जो अब खड़ी हो गई वह थी धर्मांतरण के विरुद्ध एकता और जो स्वदेशी भावना थी वह जागृत होने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और अंग्रेजों के जो तंत्र था जिसमें कुछ स्थानीय सामंत भी शामिल हो चुके थे, मैत्री करने के परिणाम स्वरूप जो स्थानीय महारावल थे वो भी थे और इसके साथ ही साथ जो पठानी पुलिस थी, पुलिस में पठानों को शामिल किया गया था, वे सब लोग इस पूरे आंदोलन के खिलाफ खड़े होने लगे और उनकी आंखों की किरकिरी बन गया यह आंदोलन। ऐसे में बेट बेगार लेने वाले और जो बंधुआ मजदूरी का काम कराने वाले लोग भी जो अभी तक लगातार दमन कर रहे थे वे भी अब डरने लगे, उनमें भी एक ये बात होने लगी कि यह आंदोलन कहीं हमारी पूरी जो व्यवस्था है अभी तक जो चला रखी है, दमनकारी व्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था और जो स्थानीय जनता है उसके लिए अकलन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो जाए, ऐसा करके इस सुधार आंदोलन के खिलाफ ये लोग खड़े होने लगे। और धीरे धीरे देखे तो अंग्रेजों ने इस बात को, इस तंत्र को इस रूप में लिया कि ये तो राज्य के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये तो राज्य की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। और इस क्रम में दो तीन बिंदु जो है वो बहुत जरूरी हों जो सबकी जानकारी में रहे। सन 1899 में क्योंकि छपनिया काल पड़ चुका था, लोग अभाव में आ चुके थे और पानी की, चारे की, अनाज की सब तरफ से कमी हो गई थी। ऐसे में आम लोगों को जरूरत भी थी इस बात की कि कैसे जिंदा रहा जाए। ऐसे में जो ईसाई मिशनरी थी उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, ये कहें कि उन्होंने सेवा कार्यों के नाम पर लोगों का जबरन धर्मांतरण की गतिविधि चलाई। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह भी है कि सन 1900 में बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था, भगवान बिरसा मुंडा का, वह एक चरम पर था और उनका हैजे की वजह से मृत्यु का एक समाचार इस देश में फैलाया गया था, तो वह भी अपने आप में बात था। लेकिन सब लोग जानते थे कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ में सही नहीं हुआ है, उनको जबरन ये जो एजेंसीज हैं, अंग्रेजों का जो तंत्र है, उन्होंने उनको जबरन जहर देकर मार दिया है, ऐसा भाव जो है वो पूरे भारत में फैलने लगा था। और सूचना जब ये फैलने लगी थी तो क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था उससे भी 6 साल पहले की एक घटना है, इतनी बड़ी घटना की बात कर रहे हैं,
तो यह घटना भी जनजाति क्षेत्र की है। यहाँ आसपास में लगभग 3/4 जो है वो जनजाति समाज के लोग रहते थे। तो उस बात को यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की बात को यहाँ पर कमजोर करना था और धूमिल करना था। अतः सरकार ये चाहती थी, जो अंग्रेज ये चाहते थे कि यह बात यहाँ रुक जाए और नया कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने बहाने किए, तीन बड़े बहाने हैं। बहाना नंबर एक कि जो वनों से लकड़ी काटने का जो अभी तक का परंपरागत कार्य रहा था, अपनी आवश्यकता पूर्ति का काम था, उसको अंग्रेजों ने रोक दिया था कि जनजाति समाज के लोग अब वन में नहीं जाएंगे और वन तो अब राज्य की संपत्ति है। यह एक बहुत बड़ा विषय यहाँ चलाया। और दूसरा विषय चलाया राजस्व अर्जन के लिए, लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए आबकारी नीति चलाई, अधिक से अधिक दारू बिके, अधिक से अधिक लोग पिए और इसके परिणाम स्वरूप सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो, जिसकी वजह से ये अंग्रेज जो है वो देख रहे थे। और क्योंकि जो भगत आंदोलन था उसमें तो संस्कार की बात होती थी, उसमें तो मांसाहार और जो शराब है उसको छोड़ने की बात हुई थी, ये बड़े सूत्र थे, तो ऐसा लगा कि ये आंदोलन जो है वो सरकार की आबकारी नीति को भी कमजोर कर देगा और राजस्व जो प्राप्त हो रहा है उसको हानि पहुंचाएगा। ऐसे में सरकार ने, अंग्रेजों ने यह तय किया कि यह आंदोलन होना नहीं चाहिए। लोगों के लिए तो जागरण, लेकिन सरकार के लिए एक ऐसी बात जो आंखों की किरकिरी बन रही थी। ऐसे में अब जरूरी हो गया कि इस आंदोलन को जिंदा रखा जाए। ये गोविंद गिरी जी और सभी जनजाति समाज के जो भगत लोग थे उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन सरकार ये चाहती थी कि बैठ बेगार चलती रहे, लोग बेगारी करते रहें, लोग शोषित होते रहें, यह कैसे हो सकता था। ऐसे में एक बड़ी परंपरा के तहत सन 1913 में 17 नवंबर के दिन मानगढ़ धाम पर एक बड़ा मेला आयोजित करने का की घोषणा हुई। और यह मेला सन 1913 ही नहीं, यह तो पहले से चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि 1875 के आसपास यहाँ धूरी का पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि दुनिया पहले भी यहाँ स्थान पर रही है, लेकिन जागरण के बाद वहाँ कोई ना कोई गतिविधि होती रही, परंतु गोविंद गिरी जी के नेतृत्व संभालने के उपरांत इस क्षेत्र में मानगढ़ धाम एक प्रमुख क्षेत्र बन गया था। और विशेष तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर होने के कारण यह जो सांस्कृतिक त्रिवेणी का रूप ले चुका था, तो अब यह लोगों की आस्था का बहुत बड़ा आधार बन गया, केंद्र बन गया, लोग यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रहे थे। अब महत्वपूर्ण यह है कि सन 1913 में 17 नवंबर को क्या हुआ। उस दिन माघ पूर्णिमा थी और एक परंपरा के तहत यहाँ जो बड़ा आयोजन होना है, मेला होना है और धूनी जागरण होना है, बड़ा हवन होना है, इसके लिए गांव-गांव से लोगों का वहाँ पहुँचना शुरू हुआ। और यह कहा गया कि नारियल और नारियल में घी लेकर लोग वहाँ पहुँचें और हवन में भाग लेना है। यह सूचना जैसे ही आसपास के क्षेत्र में पहुंची, अंग्रेजों को लगा कि यह बहुत बड़ा मामला हो, और राजस्थान का जो AGC थी उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि बहुत बड़ा असंतोष क्षेत्र में फैलता चला जा रहा है, लोग सरकार के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। और फिर संतरामपुर और डूंगरपुर राज्य में यह अफवाह फैला दी गई कि गोविंद गिरी तो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप तो वे जगह जगह इन क्षेत्रों में पहुंचकर लूटपाट भी करेंगे और आम लोगों को परेशान करेंगे। ऐसा करके अफवाह फैला दी गई और यह अफवाह फैलते फैलते बहुत नियोजित और षड्यंत्र के रूप में इस क्षेत्र तक पहुंच गई कि आसपास का जो राज्य थे उन राज्यों के जो सेनाएं थी उस सेना को यहाँ पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया। विशेष तौर पर मऊ, बड़ौदा, अहमदाबाद, खेरवाड़ा आसपास की जो छावनियाँ थी वहाँ से सैनिक दल, अंग्रेजों की जो सेना थी वो वहाँ पहुँचने लगी। और साथ ही साथ जो स्थानीय शासक थे जिसमें संतरामपुर, कडाना और गढ़ी के ठाकुर और आसपास के जो लोग थे, क्योंकि उनकी तो संधि थी और उनको तो जबरन जाना ही पड़ता था, वे बंधे हुए थे, अपने हाथ काट कर दिए हुए थे, ऐसे में वे भी कार्रवाई के लिए पहुँचे। और जो MBC की जो सेना थी, टुकड़ी थी, वो मेजर स्टॉइकले के नेतृत्व में वहाँ पर पहुँची और फिर एक दबाव की नीति बनी, परंतु जनसेना तो राष्ट्रीय जागरण के लिए समर्पित था, अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए तैयार था, रुक नहीं सकते थे।
और फिर गोविंद गिरी जी का नेतृत्व था, चमत्कारी नेतृत्व था, और उस महानायक ने जो कुछ भी कहा है जनता ने हमेशा ही माना है, ऐसा मानकर वे आगे बढ़े। और 17 नवंबर 1913 को वहां लगभग 5 लाख लोग आमजन भगत जन एकत्रित हुए, परंतु उसी दिन सुबह 6:30 बजे के आसपास सेना ने इन सब लोगों को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। बहुत बड़ी पहाड़ी थी, तीखी पहाड़ी थी, चढ़ाई बहुत कठिन थी, परंतु चारों तरफ से घिर जाने के बाद बहुत बड़ा वहाँ एक नरसंहार हुआ, जगन नरसंहार हुआ। लगभग 1500 से ज़्यादा भगतगण जनजाति समाज के जो बलिदानी थे वे सारे के सारे यहाँ पर शहीद हुए। तो मशीन गने और बंदूकें गरजने लगी और चारों तरफ ऐसा हो गया जैसे लाशें ही लाशें बिछी हुई हो। इस क्रम में, इस नरसंहार के तत्काल बाद, इस आंदोलन के जो महानायक गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ उनका एक मुख्य सहायक कह दें, उनका चेला कह दें, पूजा धीरा, वो भी गिरफ्तार हुए। वो लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर अलग अलग न्यायालय में उनको पेश करके अभी की कार्रवाई चली और उनको सजा हुई। गोविंद गिरी जी को मृत्युदंड हुआ, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया, परंतु यह पाबंदी लगा दी गई कि वे संतरामपुर और जो डूंगरपुर का राज्य है उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा संतरामपुर में उनका प्रवेश अब निषेध कर दिया गया, परंतु यह अभियान, यह जन आस्था आगे चलती रही और इसमें काम होता रहा। जो जनजाति नायक था पूजा, उनको काले पानी की सजा हुई। इस प्रकार से यह एक बड़ा नरसंहार और उसके उपरांत अंग्रेजों की सारी बातें हुई। परंतु हमें यहाँ ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि जनजाति नायक इस देश में समय समय पर धर्म, संस्कृति और जो स्वदेशी शासन व्यवस्था है उस पर जब जब भी किसी ने भी आंख उठाकर देखी है तो वह खड़े हुए हैं, वे लड़े हैं और लड़ते लड़ते वे गिर पड़े हैं। हो सकता है वे पराजित हुए हो, परंतु अपने साहस, धैर्य और इस राष्ट्र की संस्कृति के प्रति अपने समर्पण को देखते हुए एक बार फिर खड़े हुए हैं और फिर इस बात का प्रतिकार किया है। यही बात मानगढ़ में हुई। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर जो सांस्कृतिक त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी पर हुए इस घटना में जो सबसे कीमती बात है वह है आत्मगौरव की, वह है देश की, हमारे जो मूल्य हैं उनके रक्षा की। इस मूल्य की रक्षा के लिए ही यह आंदोलन हुआ था। मानगढ़ धाम का जो भौगोलिक अवस्थिति है, लोकेशन है, वह आज की तारीख में जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, जिसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, बांसवाड़ा जिले से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी पंचायत समिति में स्थित है। आनंदपुरी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की कण कण में आज भी गोविंद गिरी जी के व्यक्तित्व के वे सूत्र आज भी गूंजते हैं। अंचल में चलने वाले जो भजन हैं, गीत हैं और जो त्योहारों पर आयोजन होते हैं उनमें आज भी गोविंद गिरी जी की चर्चाएं होती हैं, बात होती है, भजन होते हैं। और इस महानायक को याद किए बिना यहाँ का जो सात्विक समाज है, यहाँ का जो आमजन है, यहाँ का जो समाज का हर एक बंदा है, वो सभी उनको याद करता है। उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को जब खड़ा किया गया था तो एक संगठन खड़ा किया गया था, उस संगठन का नाम था संप सभा। और संप सभा का मतलब होता है हम मेल मिलाप करें, हम मिलें, हम मिलते रहें, हम एकता स्थापित करें और एकता के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को हम जागृत करते रहें। आज इसी की तो आवश्यकता है और इसी बात का तो प्रमाण है मानगढ़ धाम। और जब यह बर्बर नरसंहार हुआ तो उससे पहले सब लोग उसमें जुड़े हुए थे संप सभा में। इस संप सभा ने जो काम किया है वह तीनों राज्यों के लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया है और
सभी के हृदय पटल पर यह अंकित किया है कि हमारी जो आस्था है, सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, वे सभी के सभी हमारे लिए पूजनीय हैं और हमारे पुरखों की संपत्ति है। इस घटना के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पथ का निर्माण किया है कि हमें हमारे सामूहिक दायित्वों को व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में कैसे जीवित रखना है और समाज में अच्छाई और सच्चाई के निर्माण के लिए कैसे गुरुत्व को जिंदा रखना है और आदर और आस्था को हम कैसे साझा करते रहें। गोविंदगिरी जी का जन्म जैसा कि याद है कि बंजारा परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही आध्यात्मिक और सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित रहे, जागरूक रहे। ऐसे विचारों में वे उन्होंने बूंदी और कई आसपास के जो संत थे उन सभी के संपर्क किया और अपनी वैचारिक पद्धति को, अपने चिंतन की पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए वे दयानंद सरस्वती जी के साथ ही साथ अन्य महापुरुषों के सानिध्य में भी रहे। अपने सूत्रों को उन्होंने बड़ा प्रखर किया, अपने जो कार्यक्रम है, अपने जो संगठन है, उसकी रूपरेखा को बहुत मजबूत किया और फिर अपनी कर्मस्थली दक्षिणी राजस्थान का जो वागड़ अंचल है उसको बनाया। यहां पर लोक चेतना के साथ साथ में जो पुरातन जो चिंतन प्रणाली थी उसको जागृत किया और आस्था के विषय को उन्होंने जोड़ा। अपने समसभा के माध्यम से संस्कारों के संवर्धन, मेल मिलाप स्थापित करने, व्यसन बुराइयों व कुप्रथाओं का त्याग करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, शिक्षा का तंत्र विकसित करने, सदाचार, सादगी और सहज जीवन अपनाने, अपराधों से दूर रहने के साथ ही साथ जो स्थानीय विवाद हैं उनको जो परंपरागत समाधान की प्रणाली है, कस्टमरी लॉ है, उसके माध्यम से ही समाधान करने की बात की थी ताकि शोषणकारी व्यवस्था के तहत न थाने जाना पड़े, न पठानी पुलिस के पास जाना पड़े। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रेरणा दी कि हम सब एक होते रहें और शिक्षा और आर्थिक उन्नयन का भी काम करें। समाज सुधार में विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो उपेक्षा का अभाव था, किसी कारण पर जागृत हुआ था, उसको उन्होंने दूर कराया और एक सदाचारी जीवन के माध्यम से प्रकृति और शिव का जो स्वरूप है उसको जागृत किया। इसके साथ ही साथ जो जनजाति समाज के भजन हैं, गीत हैं, गवरी की जो परंपरा है उसको भी उन्होंने जागृत किया, उसको उन्नत किया। गोविंदगिरी की अगुवाई में मानगढ़ का यह जो आंदोलन हुआ, भगत आंदोलन हुआ, वह इस बात का प्रतीक है कि समाज के, इस राष्ट्र के जो आमजन हैं वे सभी के सभी सैनिक हैं और एक सैनिक के रूप में न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर, मूल्यों के जागरण के स्तर पर लगातार काम करते हैं। गोविंदगिरी जी क्योंकि प्रतिबंध था इसलिए वे वागड़ में तो ना आ पाए, परंतु 1923 से लगा के 1931 तक वे भील सेवा सदन जालोद के माध्यम से लोक जागरण का, आध्यात्मिक विचारों के उन्नयन का कार्य करते रहे और जीवन है, जीवन का एक क्रम है, इस क्रम के तहत 30 अक्टूबर 1931 को लाखों भक्तों की आंखों में एक भाव छोड़ते हुए भी इस संसार से विदा हुए। उन्होंने जो हमें उपदेश दिए हैं वे हमारे लिए अनुकरणीय हैं और हमें इस बात के लिए बार बार जागृत करते हैं कि हमारी परंपरा, हमारे मूल्य और शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध और विदेशी शक्तियां जो धर्मांतरित करते हैं, जनजाति समाज को अनास्था की तरफ ले जाते हैं, उन सबका प्रतिकार करना है, वो जोरदार प्रतिकार करना है और उस स्तर तक करना है कि वे हमारे क्षेत्र को छोड़कर दूर चले जाए। और इस पूरे आंदोलन में गोविंदगिरी जी ने वागड़ के जो संत थे उन संतों की परंपरा को उन्होंने जागृत किया है, जिसमें संत महावजी महाराज जी, संत सूरजी खराड़ी जी, संत देवापुर जी महाराज को भी उन्होंने जागृत किया और सभी के जन जन तक पहुंचाया। आज हमें आवश्यकता है कि हम मानगढ़ धाम की परंपरा को याद करें और न केवल याद करें बल्कि उनके मूल्यों को आने वाली पीढ़ी के लिए जागृत करें। इस आंदोलन में गोविंदगिरी जी महाराज ने भजनों और गीतों को प्रमुखता से आगे रखा और
स्थानीय बोली में उन बातों को रखकर उन्होंने जागरण का कार्य किया था। उसमें से एक गीत है, एक भजन है जो आज भी जागरण के लिए काम आता है और मानगढ़ धाम के लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय भाव को प्रकट करता है, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें भूरेटिया जो शब्द आया है वह भूरे लोगों के लिए, कोरे लोगों के लिए, यानी कि अंग्रेजों के लिए काम में आया है। कहीं भूरेटिया कहीं भूरिया शब्द काम में आया। आप दो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गीत को आपके सामने रखने की। जालोद मा मारी कुंडी है, दाहोद मा मारो दीवो है, भूरेटिया ने मानू रे ने मानू, गोदरा मा मारी जाजम है, अहमदाबाद मारी बैठक है, भूरेटिया ने मानू रे ने मानू, दिल्ली मा मारी गादी है, बेणे सर मारो चुपड़ो है, भूरेटिया ने मानो रे ने मानो, मनगढ़ मारी धूनी है, जम्बू में मारो अखाड़ो है, भूरेटिया ने मानो रे ने मानो, ने मानो रे ने मानो। नहीं मानने का भाव यह है कि मेरी जो पहचान है, मेरी जो अस्मिता है और मेरा जो रूप स्वरूप है वो अखिल भारतीय है। हम सब लोग सामाजिक सद्भाव के तहत इस राष्ट्र के सैनिक हैं, ऐसा भाव इस गीत में है। मैं आप सभी को पुनः नमन करता हूँ, आप सभी को निवेदन करता हूँ जब कभी भी अवसर मिले मानगढ़ धाम का यह तीर्थ आप सपरिवार भ्रमण करें, दर्शाटन करें और आने वाली पीढ़ी के लिए यह भाव पुनः जागृत करें कि हम सब एक हैं। जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय हिंद, नमस्कार।